Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. Assalamualaikum. आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी. ये वेबसाइट ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स के लिए बहुत बेस्ट है, यानी इस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स, होम ट्यूशन और ऑनलाइन होम ट्यूटर के तौर पर भी अकाउंट बना सकते हैं. स्टूडेंट्स भी इस पे अकाउंट बना सकते हैं होम ट्यूशन फाइंड करने के लिए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फिज़िकल भी, और टीचर्स भी अपनी ऑफर सेंड कर सकते हैं एज अ ट्यूटर. सो स्टार्ट करते हैं. आपने गूगल पे जाना है, टीचर ऑन के नाम से आपने एक वेबसाइट है, इसको सर्च करना है. टीचर ऑन राइट करेंगे तो देखिए फर्स्ट वेबसाइट जो है www.teacheron.com, इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है. ये वेबसाइट है, इस पे आप एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट दो तरह से साइन अप हो सकते हैं, दो अकाउंट बन सकते हैं. यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप टीचर फाइंड करना चाहते हैं तब आप एज अ स्टूडेंट लॉग इन करेंगे. अगर आप टीचर हैं और ऑफ़र करना चाहते हैं टीचिंग सर्विसेज तो आप एज अ टीचर लॉग इन करेंगे. थोड़ा सा पहले इस वेबसाइट का इंट्रो कर लेते हैं कि ये वेबसाइट है क्या और ये किस तरह से वर्क करती है. फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हैं तो एज अ टीचर आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग की, होम टीचर्स और असाइनमेंट हेल्प. तो यहाँ पर देखिए आप क्लिक करते हैं टीचर्स पर. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वेबसाइट है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री से रिलेटेड इस पे स्टूडेंट्स या टीचर्स पोस्ट करते हैं. यहाँ पे इंटरनेशनली हर कंट्री से स्टूडेंट्स और टीचर्स बिलोंग करते हैं. यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा सारी कंट्रीज़ की लिस्ट है. अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में आप जॉब करना चाह रहे हैं या वहाँ से आप हायर करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को और एज अ टीचर, तो आप उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस कंट्री से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी वो शो हो जाएंगी. सबसे पहले जर्नल ओवरव्यू करते हैं. यहाँ पे देखें ये डिफरेंट लोगों ने पोस्ट की हुई है. एज अ टीचर उन लोगों ने अपना इंट्रो करवाया हुआ है, अपनी स्पेशलिटीज़ और अपने पर आर रेट्स उन्होंने बताए हुए हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. अगर ऑनलाइन कोई अवेलेबल है तो वो ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे. अब जैसे आपने कोई जॉब सर्च करनी है तो टीचिंग जॉब्स, यहाँ पे टीचिंग जॉब्स पे क्लिक करेंगे. तो अब जैसे यहाँ पे किसी ने पोस्ट की है कि उन्हें हिंदी ट्यूटर चाहिए और उसका $7 वो पर मंथ चार्ज कर सकते हैं. आप अपना भी रेट बता सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता है. डिफरेंट पर्सन है, उन्होंने डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं. अब जैसे यहाँ पर एक पर्सन लिखी है, उन्होंने $105 फिक्स रेट अपना बताया हुआ है. तो यहाँ पे ये अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं सर्च आउट. आप जस्ट ऑनलाइन वर्क करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे जिन लोगों को ऑनलाइन टीचर रिक्वायर हैं, अब यहाँ पे जस्ट होम टीचर के लिए अगर किसी ने कहा है तो एज अ होम टीचर को चाहिए, तो अगर आप उस कंट्री तक या उस सिटी तक अवेलेबल हैं जा सकते हैं तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. और अगर कोई असाइनमेंट से रिलेटेड हेल्प है तो असाइनमेंट वाले टैब पे क्लिक करेंगे. डिफरेंट लोगों ने पोस्ट की होगी उसको आप कांटेक्ट करेंगे और जब प्रोजेक्ट असाइन होगा तो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी. पेमेंट के भी दो मेथड होते हैं, यानी अब जैसे किसी ने प्रोजेक्ट लेना है तो आपने कॉन्टैक्ट कैसे करना है. यहाँ पे देखिए आप जैसे ही किसी को कांटेक्ट के लिए करेंगे, अगर आपने अपने फर्स्ट को ट्राई करते हैं, आपको इसकी रिक्वायरमेंट ठीक लगती है तो देखें. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि व्यू फोन नंबर 75 कॉइन्स. अब इस वेबसाइट पे जो सबसे मेन चीज़ है वो कॉइन्स क्या कॉन्सेप्ट है, यानी आप अगर किसी भी क्लाइंट से कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसका नंबर शो करने के लिए कॉइन्स आपने बाय करने होते हैं, वो कॉइन्स के थ्रू ही आप इससे कांटेक्ट कर सकेंगे. अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने अपना एक नंबर उसमें एंटर करना होता है और वो नंबर लाजमी उस पर आपका व्हाट्सएप बना होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं और उनका आपने उनका कॉन्टेक्ट
व्हाट्सएप के थ्रू होता है, और पेमेंट जो होती है वो इनकी अपनी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस वेबसाइट पे जाके पेमेंट करें, अदरवाइज़ आप अपना पर्सनल भी उससे अपना बैंक अकाउंट शेयर कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं। वो क्राइटेरिया आपका जो भी है पॉसिबल होता है आप अपना कर सकते हैं उस पर, बट कॉइन्स आपको बाय करने पड़ेंगे इस पर। उस कॉइन्स के थ्रू ही आप किसी भी क्लाइंट का नंबर शो कर सकते हैं। कैसे करने हैं, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे आपका वॉलेट होगा, उसमें बाय कॉइन्स पे क्लिक करेंगे। डिफरेंट पैकेजेस हैं कॉइन्स के, 100 कॉइन्स बाय करना चाहते हैं, 250, 500 और 1000। इन पे अगर 100 करेंगे बाय तो 1% सेव है। जैसे मैं 1000 कॉइन पे क्लिक करती हूँ तो देखें यहाँ पे जो 1000 कॉइन्स हैं 3211 PKR में है, यानी 18 USD। जैसे गेट कॉइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप इसको बाय कर सकते हैं। अब इन कॉइन्स को जब आप बाय करेंगे तो आपने डेफिनेटली जब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करना है, उन्हीं का नंबर शो करना है जो कि आप 100% श्योर हैं कि आप वो काम करेंगे। तो इस तरह से आपके कॉइन्स वेस्ट नहीं जाएंगे, यानी आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप है उसी क्लाइंट को ही एक्सेस करना है, आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं कि आपने इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, तो ये सब कुछ उसी अकाउंट पर बेस करता है। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है और साइन अप का ऑप्शन है। लॉगिन आप इन तब करेंगे जब आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। अब आपने न्यू यूज़र के तौर पर साइन अप करना है तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका जीमेल आपने लिखना है और अपना नेम राइट करना है और कोई भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट, अगर आपने टीचिंग के लिए करना है तो आप टीचर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको चेक करना है कि दिस इज़ माय फर्स्ट अकाउंट और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जीमेल से इसको साइन अप करेंगे तो आपके जीमेल अकाउंट में ये एक मेल सेंड करेंगे, वहाँ से आपने इसको वेरीफाई, जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए टीचर ऑन की तरफ से जो हमें मेल आई है, यहाँ पे अपने वेरीफाई और ईमेल पे क्लिक करना है तो ये आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे इंडिविजुअल टीचर के तौर पर, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। और आपका रोल यहाँ पे टीचर लिख दें, टीचर ऑफ कंप्यूटर, अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लाजमी नहीं है, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन इसलिए आपने एक्यूरेट पुट करनी है क्योंकि मोस्टली कुछ होम ट्यूटर्स रिक्वायर होते हैं और वो फिज़िकल लोकेशन उसके लिए रिक्वायर होती है ताकि आप अपना डिस्टेंस मेजर कर सकें कि इतने डिस्टेंस तक आप अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आप अपना नंबर राइट करना है और इसको सेव कर देना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे वन बाय वन सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, और फ्रॉम विच लेवल, तो अगर हम ग्रेड जिस लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं या आप पे डिपेंड करता है, और लेवल यानी अगर ग्रेजुएट तक आप कर सकते हैं तो आप यहाँ पे वही सब
अब इसको सेव करेंगे। अब नेक्स्ट कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया है। स्टार्टिंग लेवल, फर्स्ट लेवल, ग्रेजुएट, क्योंकि मोस्टली ये बैचलर से सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, और मास्टर्स लेवल। इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट डेटाबेस, और लेवल वर्किंग बैचलर्स, और यहाँ पे मास्टर। इसको सेव करते हैं। आप जितने सब्जेक्ट ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। यहाँ पे आपने अपने एजुकेशन और सर्टिफिकेशन से रिलेटेड सारा लिखना है। डिग्री आपने, अगर आप चाहें तो लास्ट डिग्री भी कर सकते हैं, और अगर आपने स्टार्टिंग से बिल्कुल ग्रेजुएशन से या फिर मैट्रिक से स्टार्ट करना है तो इट्स डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे एक ही डिग्री सेलेक्ट कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट, और डिग्री स्टार्टिंग ईयर, यहाँ पे और ये ऑप्शनल है कि आप अपने GPA एक्सेट्रा देना चाहते हैं या नहीं। इसको सेव पे क्लिक करते हैं। गो टू नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, जिस जिस इंस्टीट्यूट में आपने टीचिंग अगर की है या जो भी आपका एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग की है, वो आपने यहाँ पे सारा मेंशन करना है। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में, और जो डेजिग्नेशन था, स्टार्टिंग डेट क्या थी और एंडिंग डेट क्या है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, और इसको सेव करते हैं। स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। गो टू नेक्स्ट स्टेप। एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं ज़्यादा इंस्टीट्यूट में, अगर आपने टीचिंग की है तो उसका सेम प्रोसेस है, सारा कुछ वही फिलअप करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने आर्ली, डेली या वीकली और मंथली, जिस तरह से भी आप चार्ज करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप, ये आप पे डिपेंड करता है जिस तरह से आपने चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल मैं मंथली सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मिनिमम फ़ी मंथली आप यहाँ पे 5,000, 10,000, यहाँ पे आप फ़ी डिटेल, यानी अगर आप
कोई डिस्काउंट्स वगैरह देना चाहते हैं तो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और ऑनलाइन ऑफलाइन कितना है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ईयर्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, और यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि क्या आप ट्रैवल करके स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं, यानी आप उनकी होम लोकेशन पे बढ़ा सकते हैं या नहीं। अगर यस तो डेफिनेटली यस करेंगे, अगर नो तो नो पे क्लिक कर देंगे आप। फॉर ऑनलाइन टीचिंग, डू यू हैव अ डिजिटल पेन, डू यू हेल्प विद होमवर्क एंड असाइनमेंट्स। अगर आप असाइनमेंट्स और होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी आप टीचिंग कर रहे हैं किसी स्कूल या कॉलेज में तो यस पे डेफिनेटली क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे। और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है अगर आप फुल टाइम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम और बोथ, तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसको फिलअप किया और सबमिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 80% ऑफ स्टूडेंट विल डिसाइड इफ दे वांट टू हायर यू जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू राइट हियर। यानी यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अपना प्रोफाइल पूरा एक्सप्लेन करना है, स्टार्टिंग से अब तक आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी स्पेशलिटीज़ क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपकी डिग्री, जिस तरह से एक CV होती है उसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पे पूरा मेंशन करना है। मैंने अपनी स्किल और स्किल सेट और जो भी मेरी स्पेशलिटीज़ है वो मैंने कॉपी की हुई थी, वो मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूँगी। और यहाँ पे आपने अपना कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल, स्काइप कुछ भी शेयर नहीं करना। आपने जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे जब अकाउंट बनाते हुए क्रिएट किया है बस वही इसमें अकाउंट होगा। इस पैराग्राफ के अंदर आपने बिल्कुल भी अपना कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर नहीं करनी है, ये इस वेबसाइट के रूल्स के अगेंस्ट है। और जो नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे अकाउंट क्रिएट करते वक्त उस पर व्हाट्सएप लाजमी होना चाहिए। एक्सेप्ट करेंगे, अग्री करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये इस पर लेवल आ जाएगा पावरफुल प्रोफाइल है या नहीं, इसको सबमिट पे क्लिक कर देते। अब यहाँ पे प्रूफ के लिए कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं या नहीं, उसके लिए आपसे या तो पासपोर्ट रिक्वायर करेंगे या वीज़ा और पासपोर्ट, या फिर अदर पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपना CNIC डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपने अपनी गैलरी से CNIC की एक पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुकी है, सबमिट फॉर रिव्यू। यहाँ पे जैसे ही आपकी ID अप्रूव हो जाएगी तो आपको मेल रिसीव हो जाएगी, सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो चुका है। जैसे क्रिएट हो जाएगा फिर आपने सिंपली उसको लॉग इन करना है, और जिस तरह से स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आपने किसी स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करना है और प्रोजेक्ट आपने साइन करवाना है, तो आपने उसी प्रोसेस के साथ डीलिंग स्टार्ट कर